भावना चौटाला मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के। जो धर्म है जाते हैं सभी का सम्मान करती है। नालो पार्टी एक ऐसी पार्टी है। कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जा रहे हम लोग? कभी गए नहीं। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके साथ नहीं जाते हैं। लगता है कि ये सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि सर सुरेंद्र लाठर जी ऐसे इंसान है जिन्होंने मतलब राजनीति में आने से पहले ही बहुत अच्छे कार्य करे, तो बाद में हमें उनसे उम्मीद और ज्यादा है। जुलाना जरूरी थी, असर चाहेगा पूरा हरियाणा रचो ना रचो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। आज हम लोग जिंद पर हैं। जिंद के अंदर मैं हरियाणा के जिंद में हूं और मेरे पीछे आप देखेंगे महिलाओं का यहां पर सैलाब नजर आ रहा है और नीली और हरी ड्रेस में ये ऐतिहासिक कॉम्बिनेशन है। समझ लीजिए कि मतलब नीचे जो है हरियाली का मतलब होता है कि नीचे जो खेती बाड़ी है वो हरियाणा के लोगों ने कैप्चर कर रखी है और बहुजन समाज जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया था नीला आसमान नजर आ रहा है। बहुत सारी महिलाएं माताएं बहनें हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? जुलानाल कैसे जी, क्या करने आए हो यहाँ पे ये बताओ? रैली में आए हैं। रैली में क्यों आए हो यहाँ पे? जन्मदिन है। पैसे वैसे देके तो नहीं लाए? ना ना ना, मतलब भी नहीं। किसको वोट देने वाले हैं इस बार? सुरेंद्र लाठर। कौन सी पार्टी से खड़े हैं? इनेलो से। हाँ। मतलब हाथी वाले भी वोट देंगे और इनेलो वाले भी देंगे? हाँ, हाँ देंगे। कितनी महिलाएं हैं? तो बहुत हजारों की तादाद में। कैमरा मैन को बोलूंगा एक बार पहले पीछे दिखाएं महिलाएं उसको जी। और ढोल वालों को भी यहाँ पे देख लीजिए, पूरे अपने नीले हरियाणा रंग में नजर आ रहे हैं। हाँ जी, किसे वोट देने जा रहे हैं इस बार? सुरेंद्र लाठर को जी। सुरेंद्र लाठर को? सारी महिलाएं सुरेंद्र लाठर को देने वाली हैं क्या? अरे पैसे तो नहीं लाए आपको हैं? अरे घने सारे लोग। हम तुम्हारे सुरेंद्र लाठर। हम तुम्हारे साथ हैं। आप देखेंगे क्या कारण है आज जो सारी महिलाएं हाथी के चुनाव चिन्ह पर इनेलो के निशान पर वोट देने को तैयार हो रही हैं? सर समस्या यह है कि 10 साल कांग्रेस का राज देख लिया और 10 साल BJP का देख लिया, अब जनता के पास कोई आधार नहीं बचा इनेलो के सिवाय। इनेलो आके क्या करेगी वो? इनेलो आके, इनेलो मतलब गरीब किसान मजदूर सभी की पार्टी है। जो छोटे लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाएगी और उनके ऊपर सर्च कर अपना काम करेंगे। ये सही कह रहे हैं कि बदल तो नहीं जा रहे हैं जी? ना सही। आप समझ लीजिए इतनी सारी महिलाएं, अगर आपने कुछ गलत कोटेशन करा तो ये महिलाएं आपके पीछे पड़ जाएंगी, लेकिन ये कह रही है सही कह रहे हैं। क्या लगता है कि आपके जो बहन जी का शासन आएगा, सुरेंद्र जी का शासन आएगा? सुरेंद्र जी का जी। देखिए ये प्रश्न है मेरा जी जी। ये जो जो जाटव है जो कुमारी शैलजा को उसको जो कांग्रेस कहते हैं वो चमारी, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चमारी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि BJP ने जाट पहलवान लड़कियों को जमीन पे घसीटा, पहलवान लड़कियों की बेइज्जती BJP ने की, और कांग्रेस है जाट चमार लड़की की बेइज्जती कर रही, लड़की नहीं नेता की बेइज्जती कर रही है। तो आपका आंदोलन है क्या? क्या ये मान सम्मान का आंदोलन है? ताऊ देवीलाल के मान सम्मान में आए हुए हैं आप लोग? ताऊ देवीलाल की जो पार्टी है वो किसी का मतलब वो नहीं करती, ये 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। यहाँ पे भी 36 बिरादरी साथ आ रही है। बिरादरी साथ है जी जी। एफिडेविट दे सकते हैं जी। तो क्या लगता है कि अब इतिहास रचने वाला हरियाणा? इतिहास रचने वाला है। जुलाना जरूरी इतिहास रचेगा पूरा हरियाणा रचो ना रचो। अरे पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी नहीं आएंगे? अभय चौटाला मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के। क्या बात कर रहे हैं, कमाल की बात। BJP कह रही हमारा मुख्यमंत्री, BJP का नहीं होगा, BJP का किसी। कांग्रेस कह रही हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभय सत्य है और सत्य ही सत्य है। कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जा रहे हम लोग? कभी गए नहीं। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके साथ नहीं जाते हैं। जैसा साहब ने सवाल पूछा कि दलितों के साथ, ये दलितों के साथ है, ये दलितों का भी सम्मान करती, सभी जो धर्म है जाते हैं सभी का सम्मान करती है। नालो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी। इन्होंने हरे रंग पहने हुए, कोई नीले रंग वालों से भी हम लोग जानेंगे। इन्हें नीले रंग के यहाँ पर पहने हुए कहाँ से आई है आप? मैं समलो कला से जी। किसको वोट देने वाली है? सुरेंद्र लाठर को। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि जो जाति भेद में वो, मैं कईयों से सवाल पूछ रहा हूँ, पैसे देके तो नहीं लाए गए आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कईयों का होगी 100-100, 200-200, 500। और भी बहन जी यहाँ पे खड़ी हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं देवगढ़ से। क्या लगता है कि ये सरकार आनी चाहिए?
बिल्कुल सर आएगी। क्यों क्यों आनी चाहिए? क्योंकि सर सुरेंद्र लाठर जी ऐसे इंसान है जिन्होंने मतलब राजनीति में आने से पहले ही बहुत अच्छे कार्य करे, तो बाद में हमें उनसे उम्मीद और ज्यादा है कि वो राजनीति में। मतलब बहन जी की सरकार आ रही है इस वक्त, बहन जी ने उत्तर प्रदेश का शासन मालूम है आपको कैसा था? अच्छा था सर, अच्छा था। आप समझिए यहाँ पर बहन जी के शासन काल को भी देखा है, बहन जी के शासन काल के अंदर चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं को सम्मान, आवास, विकास योजनाएं तमाम मिली थी, तो क्या लगता है दोबारा मिलेगा हरियाणा में? मिलेगा जी, मिलेगा। उत्तम प्रदेश होगा? नहीं होगा जी, होगा। आप समझ लीजिए सारी महिलाएं जो है यहाँ पे, कई हजार महिलाएं हैं। कैमरा मैन को बोलूंगा एक बार ऊपर कैमरा करके दिखाएं और कैमरे को एक बार रोटेट करके दिखाएं। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर आई हुई है, कई हजार की तादाद में यहाँ पर गाड़ियां आई हुई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।